गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देवेश एंड यू आर वॉचिंग चैनल एक्सप्लेन। तो आज हम करवाने वाले हैं क्लास टेंथ की जो इंग्लिश की बुक है फुटप्रिंट, फुटप्रिंट का चैप्टर नंबर 4, एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, एक सवाल और एक विश्वास। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को आज बताने वाले हैं। चैप्टर की समरी अब आपको हिंदी में बताएंगे। तो चैप्टर में ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना क्या कहानी है। कहानी जो है काफ़ी मज़ेदार है। यहाँ पर डोरिस के नाम के जो लेखक है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार तरीके से इस कहानी को डेवलप करा है, लिखा है। तो आइए करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। शॉर्ट स्टोरी ऑफ ए समर, इट्स स्टोरी क्वेश्चंस ऑफ ए ट्रस्ट। अब ये जो कहानी एक लघु कथा है, मतलब कि छोटी सी प्यारी सी स्टोरी आप कह सकते हो। ये जो कहानी है ये एक चोर की कहानी है जिसे अपने कर्मों का स्वाद मिलता है। ये कह सकते हो कि जब वो चोरी करता है, चोरी करने से उसके जो कर्म हैं वो बदल जाते हैं, या कैसे उसको मज़ा आता है वो हम इसमें पढ़ेंगे। हेरेंस डोरिस तथा हॉरेंस डैन भी पूरी तरह से एक चोर है। वो एक चोर है, पूरी तरह से कहने का मतलब है कि चोर जो है वो अपने आप को ये नहीं कहता कि वो पूरी तरह से चोर है, मगर वो कहते हैं कि मैं एक पूरी तरह से चोर बन चुका हूँ। वह साल के केवल एक बार चोरी करता है, ऐसी चोरी जो काफ़ी बड़ी रोचक, आप कह सकते हो धूम 3 या धूम 2 वाली चोरी एक बार में करता है साल में, काफ़ी बड़ी भयंकर चोरी। वो किताबों के शौकीन है और अपना ज़्यादातर पैसा किताब खरीदने में खर्च कर देते हैं। अब ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा जो चोरी करता है किताबों के लिए, किताबें नहीं चुराता, पैसे चुराता है, फिर उससे किताबें खरीदता है, साल भर पढ़ता है, फिर दोबारा चोरी करता है। आगे वो बताते हैं, इसके अलावा वो चोरी का प्रयास करने में पहले सटीक योजना बनाता है। पहले अगर चोरी करनी है तो काफ़ी बड़ी अच्छी प्लानिंग करता है, प्लानिंग करके ही चोरी करने की सोचता है। एक बड़े घर में चोरी करने की कोशिश के दौरान उन्होंने घर के अंदर घुसकर तिजोरी से चोरी करने से पहले अच्छी तरह से अध्ययन किया। एक घर में घुसने से पहले वो सोचने लगा कि घर में कैसे घुसा जाए, उसके बारे में सारी प्लानिंग उसने करके तैयार कर रखी थी। एक महिला ने चोर को धोखा दिया और खुद को घर का मालिक होने का दावा करता है। अब वहाँ पर ना, जब वो चोरी करने जाता है एक घर में, बड़े घर में, तो वहाँ पर एक लेडी आ जाती है जो बोलती है कि मैं इस घर की मालकिन हूँ, ओनर होने का दावा करती है, प्रॉमिस करती है। अंत में हॉरेंस जेल में समाप्त हो जाता है। अब जो हॉरेंस है उस लेडीज़ की वजह से जेल में पकड़ा जाता है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। केवल इस तरह से पछतावा करने के लिए एक एक आदमी को किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर स्वयं पेशे के पेशे से, वो कहता है अपने स्वयं के पेशे से। अगर उसका पेशा चोरी करने का है तो कभी भी किसी आदमी को, खासकर किसी लेडीज़ पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जो इस चैप्टर में हॉरेंस के साथ हुआ तो वो अपनी कहानी आपको बताएंगे। चैप्टर की स्टोरी स्टार्ट होती है हॉरेंस डैन भी एक अच्छे इंसान से। यहाँ पे उसे अच्छा इंसान बोला गया है, क्यों बोला गया है वो आपको बताएंगे। वो पहले 50 साल का था लेकिन अब वह अविवाहित है। यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ बोली है कि पहले जो है वो 50 साल का था, अब वह अविवाहित है। ये जो कहानी है ये पास्ट में चल रही है, एक तरह से पुराने फ्यूचर में, नहीं पास्ट में, आप देख सकते हो भूतकाल, क्योंकि पहले जो था 50 साल का था, अब वो जवान है, मतलब वो फ्यूचर देख रहा है, सपना देख रहा है, पास्ट में जी रहा है। हॉरेंस डैनबी का ताला बनाने वाला था, हॉरेंस डैनबी जो है पहले एक ताला बनाने वाला था एज ए लॉक मेकर, और वह बहुत से सारे सफल व्यवसायी भी थे। उसके पास काफ़ी सारे सफल व्यवसायी से, मतलब कि ये कह सकते हो एक बिजनेसमैन की तरह था वो। उनकी सहायता के लिए उसने 2 सहायक रख रखे थे, अच्छा और सम्मानित हाथे तथा नाते, कह रहा है वो अच्छा और सम्मानित आदमी था और गाँव में गलियों में उसकी प्रतिष्ठा जो है काफ़ी बनी थी। लेकिन वो पूरी तरह से ईमानदार भी नहीं था, ये कह नहीं सकते कि पूरी तरह से ईमानदारी है। वो दुर्लभ तथा महंगी किताबों के शौकीन थे, वो किसी ने कीमत पर कम खरीद लेते थे, वो ऐसे ही मतलब कि कम कीमतों पर ज़्यादा किताब खरीद लेता था। किताबों से उसको काफ़ी ज़्यादा लगाव था, जो इस चैप्टर के बताया गया है। इसलिए इसके लिए उन्हें साल में केवल एक बार तिजोरी लूटनी पड़ती थी, वो मतलब कि साल में एक बार जो है चोरी चकारी भी करते थे वो, इसीलिए क्योंकि उनको किताबें खरीदनी पड़ती थी। इन किताबों को एक एजेंट के माध्यम से गुप्त रूप में ख़रीदा जाता था। अब जो किताबें हैं वो काफ़ी हाई फाई रेट वाली किताबें खरीदता था, जो कि काफ़ी एजेंट के हिसाब से खरीदी जाती थी, क्योंकि इतने पैसे जो नहीं थे क्योंकि वो खरीद पाए, इसलिए वो चोरी का माल खरीदता था। चोरी करने से पहले उन्होंने योजना को अच्छी तरह से, पूरी तरह से बना लिया था। इस बार उन्होंने 2 सप्ताह के लिए शोवर ऑफ ग्रेज के घर का निरीक्षण किया। यहाँ पे लिखा है शोवर ग्रेज जो है एक आदमी रहता है वहाँ पर, तो उसका घर का निरीक्षण किया जो काफ़ी बड़ा है। उसने 2 हफ्ते लगाए इस प्लानिंग को करने के लिए। उन्होंने उस घर के बारे में मिनट की चीज़ों का भी अध्ययन किया कि 1 मिनट में वहाँ क्या होता है, हर 1 मिनट क्या होता है, हर मिनट उसका देखा गया,
कि वहाँ पे चोरी करनी है तो डाका डालना है, ऐसे तो डाका डालेंगे नहीं जब तक पूरा चोर को घर के बारे में ना पता हो। परिवार अब लंदन में था, घर में केवल दो केयरटेकर नौकर फिल्में चले करते थे। वो कहने लग गया कि परिवार में जो था ना सारे लंदन में रहते थे और जो घर में केयरटेकर है बस वो रहता था, नौकर जो हैं फिल्मों में चले गए थे, नौकर जो हैं वो फिल्में देखते थे, वहाँ के शौकीन ज़्यादा थे। वो बगीचे की दीवारों के पीछे से कूद कर गया और घर के अंदर आ गया। उसने रसोई के दरवाजे से हुक से चाबी ले ली और फिर अपने दस्ताने पहने, ताकि दस्ताने इसलिए पहनते हैं चोर क्योंकि जो हाथ के फिंगरप्रिंट्स हैं वो ना आ जाएं किसी भी जगह पर। दस्ताने पहने और दरवाज़ा खोला, वे किसी की उंगलियों का निशान छोड़ते हुए तथा सावधानी से, मतलब कि कोई भी निशान ना छूटे, वो सावधानी से मेज की तरफ फूलों के कलश की तरफ गया। फूलों की खुशबू ने उसकी नाक में गुदगुदी सी कर दी थी मानो। एक बार वो छींकता है, उसके बाद एक युवा महिला की आवाज़ सुनाई देती है। अब जैसे वो छींकता है पीछे से एक औरत आ जाती है, लेडीज़ आ जाती है, वो डर जाता है काफ़ी, क्योंकि उसको पता था कि घर में उन्होंने जब चेकिंग करी थी घर में कोई भी था ही नहीं, मगर वो लेडीज़ कैसे आ जाती है पता नहीं। वह उसके घर के मालिक होने का तथा पत्नी होने का दावा करती है। वो बोलती है कि वो जो है उस घर की मालिक है और उसकी पत्नी है, जो यहाँ पे राइटर है वो बताती है कि जो यहाँ के मालिक हैं उनकी पत्नी भी हूँ। उसने बताया कि वह अचानक वहाँ आ गई क्योंकि वह चाहती थी कि उसके गहने उसकी रात में पार्टी में पहने। वो बताती है कि मैंने ना अपने गहने जो हैं वो रख रखे और मैं भूल गई थी ले जाना अपनी ट्रिप पे, तो मैं उसके लिए आई हूँ कि मैं रात को पार्टी में गहने पहनना चाहती थी और तू यहाँ पे क्या कर रहा है। वो देख लेती है डैनवी को। डैनवी ने महिला से अनुरोध किया कि वह घर से उसे जाने दे। वो बोलता है कि मैं यहाँ पर अब कुछ नहीं चुराऊँगा, अगर मैंने अभी चुराए भी है तो मैं वो छोड़ जाऊँगा, बस मेरे को यहाँ घर से जाने दो। उसने उस गहने को खोलने के लिए कहा क्योंकि उसे गहने की ज़रूरत थी, लेकिन वह संख्या भूल गई थी। अब जो लड़की है उसने डैनवी को कहा कि मैं जो है ना पासवर्ड भूल गई हूँ तिजोरी का, तो पासवर्ड है ना तुम तो चोर हो, तुम्हें तो पता ही होगा तुम्हें खोलनी आती है तिजोरी है, तुम इसको खोल के दो मेरे को। डैनवी ने स्वेच्छा से दस्ताने के एक बिना तिजोरी खोली। अब डैनवी जो है उसने अपने हाथ से दस्ताना भी निकाल दिया और अब तिजोरी भी खोल डाली। युवती को गहने मिल गए, अब जो लड़की थी उसको गहने मिल गए। हेरेंस डैनवी खुशी से चले गए क्योंकि वे जेल से जाने से बच गए। अब जो हेरेंस डैनवी है वो सोचने लगे चलो ठीक है कोई बात नहीं, इस बार चोरी नहीं हुई मगर मैं बच तो गया, वरना वो लड़की जो है मेरे को पुलिस के हवाले करवा देती तो जेल के चक्कर काटने पड़ते, उसको ऐसा लगता है। डैनवी खुशी से वहाँ से चले जाते हैं। तीसरे दिन एक पुलिस कर्मी ने एक शॉर्ट एवरेज गैरेज में गहना लूट की गिरफ्तार किया। अब तीसरे दिन के बाद जब 3 दिन बीते तो एक पुलिस वाला था उसने शॉर्ट ओवर गैरेज में गहना लूटने के लिए गिरफ्तार किया किसी को। उसकी उंगली के निशान लूटे हुए स्थान पर पाए गए। अब उन्होंने कहा कि ना एक आदमी ने शॉर्ट ओवर गैरेज में से गहने चुराए हैं और उसके निशान जो है तिजोरी के ऊपर पाए गए हैं। तो यहाँ पर वो जो राइटर है वो समझ गया कि निशान किसके हैं। हॉरेंस डैनवी ने उसको खोला था तो डैनवी के निशान भी आए होंगे, दस्ताना उतार के जो खोला था। उसने कबूल किया कि उसने घर की मालकिन युवा पत्नी के लिए तिजोरी खोली थी। अब उसने बताया कि मैंने जो तिजोरी है ना लेडीज़ के लिए खोली थी, उसने मेरे को कहा था मैं मालकिन हूँ घर की तो इसलिए तिजोरी खोलो, इसलिए मैंने खोली, लेकिन वास्तव में मालकिन और मालिक 8 साल से वहाँ पर लगभग नहीं आए होते हैं। उसने कहा कि ये कहानी सच्ची नहीं है। डैनवी पर कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था। अब जो डैनवी है वो डर गया, वो तो बेचारा उसको मालकिन समझ बैठा, मगर वो लड़की जो है चोर निकली, वो पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। अब जेल के सहायक लाइब्रेरियन था, वो जेल में एक लाइब्रेरियन बन के रह गया। वो हमेशा से आकर्षक युवा महिला के बारे में सोचता है तथा उसके पेशे में थी जैसे ही वह थी। अब वो उसके बारे में सोचता है कि मैं भी चोर था और वो भी चोर थी और वो मेरे को कैसा उल्लू बना गई, क्योंकि उस लड़की को पासवर्ड इसीलिए नहीं पता था क्योंकि वो जो थी चोरी करने ही आई थी और उसने उससे पासवर्ड पूछा और खुलवा दिया। अब हैनवी ने सोचा वो मालकिन है तो उसने खोल डाला। खोलने के बाद उसकी न्यूज़ आई और उसको पकड़ के पुलिस ले जाती है और चोरी करके लड़की भाग गई। अब उन्होंने चोरों के बीच सम्मान के बारे में सोचा नहीं था, उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा होगा, उसको कोई उल्लू भी बना पाएगा। अब उसने सोच लिया कि आगे से अपने पेशे में काम कर रहे व्यक्ति को किसी चोर की मदद कभी नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही एंड थैंक यू।